मैग्नेटिक फील्ड के कुछ रूल्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको इसमें समझने हैं। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर पहला रूल है इस चैप्टर में, अ स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज लाइंग एट रेस्ट कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है तो पॉइंट चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर निकालता है, तो पॉइंट चार्ज अपने आसपास रेस्ट पे पड़ा पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज बी जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ई जनरेट कर सकता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो ई भी जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो फिर भी रहेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। आपको वो कैसे, आप एक चार्ज को वायर में मूव करवाएं तो उसमें करंट पैदा हो जाएगा, और करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या जनरेट कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, पर रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेट, ये लिखा हुआ है, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ ई एंड पी, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, अब मान लो एक चार्ज है और मैंने बाहर से फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल का मतलब मान लो मैंने रूम में एक मशीन लगाई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो वो कह रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है चार्ज, या चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, लेकिन अगर चार्ज किस में होगा, मूविंग चार्ज होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्लियर है यहां तक? लेकिन मूविंग चार्ज पे, अंडरलाइन कर लो, मूविंग चार्ज पे ई और बी दोनों फोर्स लगाएंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है। और अब एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसको इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंट से क्या लेना देना है, ये आपके नॉलेज के लिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको पता लगेगा कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। सपोज करो आपके पास ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। हम नॉर्मली अपने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं वो ग्राउंड पे बैठ के करते हैं, हम लिफ्ट में क्लास नहीं ले रहे। तो मैंने आपको लिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं पढ़ाया कि चलो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं, देखो सामने चार्ज भी जा रहा है ना, हम ग्राउंड पे करते हैं। लेकिन वो कह रहा है चलो एक लिफ्ट ले लो, और वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है, और क्यू चार्ज भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी। और इससे पहले का एक्सपेरिमेंट है कि लिफ्ट किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, चार्ज किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, और इसमें करंट जा रहा है। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हो, लिफ्ट चल नहीं रही, रेस्ट पे हो। अब लिफ्ट पे खड़े हो, लिफ्ट चल नहीं रही, या ग्राउंड पे खड़े हो, बात तो एक ही है। ये करंट कैरिंग वायर यहां पे बी जनरेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट वायर है, बी तो जनरेट करती है अपने आसपास, तो बी तो जनरेट होगा। इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये चार्ज किस पे है, एट रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज को कितना भी बी लगा लो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो सकती, क्योंकि रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज का वी क्या है, जीरो, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा, तो ऑब्वियसली वी जीरो तो फोर्स भी जीरो। तो आपने इस बंदे से पूछा कि बता ये चार्ज किस पे है, या आप ही तो रेस्ट पे, आप ही तो आंसर दे रहे हो, आप क्लास में और लिफ्ट में एक ही बात है। तो आपसे पूछा गया कि क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, आपने कहा लग रही है। कौन लगा रहा है, करंट कैरिंग वायर लगा रहा है। तो इससे पूछा गया कि क्या ये रेस्ट पे है, हाँ ये रेस्ट पे है। तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसने बोला नहीं कर रहा। आपने पूछा क्यों नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि वेलोसिटी जीरो है तो नहीं कर रहा। डन, क्लोज करें, सही आंसर। लेकिन अब इसको हमने किस पे बिठा दिया, एक लिफ्ट पे बिठा दिया, लिफ्ट मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, चार्ज क्यू मूव कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी वी, और करंट इसमें आए है, और इस बार आप ग्राउंड पे हो। देखो आप लिफ्ट में बैठ के अपना आंसर दे नहीं सकते इलेक्ट्रोस्टैट्स का, आप तो ग्राउंड पे देंगे। तो मैंने आपसे पूछा, आप ग्राउंड पे खड़े थे,
कि बताया ये चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है कि मोशन में? आपने कहा मोशन में। मैं आप क्वेश्चन पहले ग्राउंड वाले बंदे से पूछ रहा हूँ, मोशन में सही है। तो क्या ये करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर बी जनरेट कर रही है? कर रही है। तो आपसे पूछा गया बता क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आपने कहा करेगा, क्योंकि ये मोशन में, और मोशन में चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्ज मोशन में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बी क्यू बी साइन थीटा। वैल्यू क्या होगी वो नहीं पूछ रहा, कुछ तो करेगा, जो भी करेगा हाँ या ना बोलना है। तो इसने बोला हाँ करेगा, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सही आंसर है। सेम क्वेश्चन आपने इससे पूछा, तू बता। ये कहता सर मेरे को तो लग रहा है चार्ज रेस्ट पे ही है। मैंने कहा वो कैसे? वो कहता क्योंकि मैं खुद ही मूव कर रहा हूँ विद वेलोसिटी ऑफ वी, और चार्ज भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी, तो मेरे हिसाब से तो चार्ज किसपे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। तो फिर तू बता इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? वो कहता नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये कह रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब ये कह रहा है कि फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, कौन सही? अभी तक तो ग्राउंड वाला सही, क्योंकि लगेगी तो है। तुम फैसला किससे करवाओगे? फैसला करवाओगे इससे, ठीक है। ये तो वही बात हो गई, एक स्टूडेंट खड़ा था और किसी ने उसके लगा दिए दो, वो पूछ रहा है, दूसरा बंदा पूछ रहा है फोर्स लगी कि नहीं लगी, एक कह रहा है मैं तो मारा नहीं, दूसरा कहता है हाँ मेरे को लग रहा है यार मैंने तो मार दिया। वेरीफाई कैसे करोगे? उसी से पूछोगे, तू बता तेरे को फोर्स लगी कि नहीं लगी? वो कहता लगी, इसका मतलब लगी। आप चार्ज से पूछ लो ना, तेरे पे फोर्स लगी, चार्ज अगर बोल सकता वो बोलता लगी, मेरे को तो लग रही है। अब अगर फोर्स इसको लग रही है, पर ये तो कह रहा है मैंने तो नहीं लगाई मैग्नेटिक फोर्स, तो मेरा आंसर जीरो है, तो ये कहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये बंदा क्या कहेगा, अगर तू कह रहा है फोर्स लगी तो देख तेरे पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगी। तो फिर कहता है कौन सी फोर्स लगी? कहता मैं नाम चेंज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तू रेस्ट पे है, और रेस्ट पे अगर चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लगती है तो केवल एक ही फोर्स लग सकती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तेरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी है, पड़ोस के चार्ज ने इस पे जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाई है, मैग्नेटिक नहीं लग सकती। और यह कह रहा है कि मैग्नेटिक लगी। अब इसने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स लगी और मान लो 10 न्यूटन लगी, इसने भी मान लिया कि ठीक है मैग्नेटिक नहीं लगी, मैं ये तो मान सकता हूं तेरे पे फोर्स लगी, पर मैं नाम चेंज करके बोलूंगा तेरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 10 न्यूटन लगी, मैग्नेटिक नहीं लगी। अब फैसला हो गया, फैसला ये हो गया, देखो फोर्स तो लगी, मान तो गए दोनों, नाम जो मर्जी रखे में फर्क नहीं पड़ता, फोर्स तो लगी, तो नाम कोई भी लगा सकता है, उसी फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है और उसी फोर्स का नाम मैग्नेटिक भी हो सकता है, ये सिर्फ आपके देखने का नजरिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख कैसे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम दोगे। अब अपने इस एग्जाम्पल के साथ मैं इस कोर्स को रिलेट करता हूँ, वापस चलते हैं प्लस टू के अंदर जब पहली बार आए थे, 2 महीने एक चैप्टर किया जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रो स्टैटिक। वो स्टैटिक पता है क्यों था? क्योंकि अगर वो चार्ज मूव करता तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकता था, और हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने वाले थे, हम मैग्नेटिक फील्ड को बीच में नहीं पढ़ सकते थे, हमने चार्ज को हमेशा किस पे रखा, एट रेस्ट, और चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब जब चार्ज को रेस्ट पे रखा गया, आपने फोर्स का नाम हमेशा क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा हो, एक चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा था और मैंने आपको पूरी क्लास लिफ्ट में ले दी, मान लो मेरी क्लास मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, और जितना पूरी बुकलेट लिखी गई वो मूविंग चार्ज पे लिखी गई, लेकिन चार्ज की तरह हम भी मूव कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं लगा हम मैग्नेटिक की जगह क्या पड़ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ठीक है यार, हमें तो चार्ज रेस्ट पे नजर आया ना, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। पर अब अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं तो अब यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नहीं मूव करूँगा, मैं स्टैटिक हूँ, चार्ज मूव करेगा, अब वो अपनी लैंग्वेज क्या यूज करेगा इस यूनिट में, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोल सकता, स्टैटिक वर्ड नहीं आएगा, अब वो मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब इस नेचर में सिमेट्री है, ये पता लगा साइंटिस्ट लोगों को, नेचर में सिमेट्री है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता है कोई मैग्नेटिक बोलता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया जाता है चार्ज स्टेशनरी रहता है, जब मैग्नेटिक पढ़ाया जाता है चार्ज मूव करता है। तो दोनों फील्ड को अलग अलग पढ़ाया गया, लेकिन सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी इकट्ठे काम कर सकते हैं। इसीलिए ना तो इस दुनिया में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की फोर्स है, ना ही फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स होता है, पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अगर आप चार्ज को रेस्ट पे मानते हो तो आप अपना फोर्स का नाम इलेक्ट्रो रख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
और अगर मोशन में मानते हो तो नाम क्या रख देना, मैग्नेट। ये आपका देखने का नजरिया है और पढ़ने का नजरिया, पढ़ क्या रहे हो। तो समझ में आ रहा है। और इवन यही नहीं, इससे एक और बात समझ में आएगी आने वाले टाइम में, इस नेचर में सिमेट्री ऑफ फील्ड्स भी है। एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, उसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो कौन सा फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक क्या है, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। लेकिन मान लो उस चार्ज पार्टिकल ने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया 100 वैल्यू का, 100 यूनिट का, मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो था। अगर तुम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक भी करता है, लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू, टोटल फील्ड सेम रहते हैं। टोटल एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्स्टेंट है। इस रूम के अंदर अगर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की 100 जूल है और मैग्नेटिक जीरो है, और तुम उस चार्ज को मूव करवाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर तुम इस रूम में किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, अपने आप पैदा हो जाएगा, था नहीं फिर भी पैदा हो जाएगा। ठीक, कैसे, क्योंकि टोटल एनर्जी तो रूम की कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर आपने फील्ड की एनर्जी गेरी तो मैग्नेटिक को पैदा होके उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपने इंक्रीज कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी तो मैग्नेटिक एनर्जी कम होनी पड़ेगी। टोटल सम ऑफ एनर्जी सेम है। आपको कि ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे कैसे पैदा हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको पता ही एग्जांपल। आप एसी डायनमो आपने सुने, जनरेटर जो डैम पे बिजली बनती है, जनरेटर कैसे चलता है, पानी गिरता है, टर्बाइन घूमती है, टर्बाइन मैग्नेट पे घूमती है, मैग्नेट्स लगी हुई हैं या मैग्नेट्स घूमती हैं डैम पे। मैग्नेट घूमने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कहाँ पैदा होता है, वायर्स में, तारों में अपने आप बिजली आ जाती है, और वही बिजली हमारे घरों तक आ रही है जो आप देख रहे हो। ये इसलिए आ रही है क्योंकि डैम पे लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कोई बिजली थोड़ा पैदा कर रहे हैं, बिजली तो अपने आप पैदा हुई जा रही है, क्योंकि सिमिट्री है नेचर में। जब एक फील्ड चेंज होगा तो वो दूसरे को अपने आप पैदा करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, दोनों सिमेट्रिकल है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए पहले 2 महीने पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पढ़ाया जाएगा 2 महीने मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगला महीना आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिससे जनरेट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिससे आप टेलीफोन भी करते हो, मोबाइल करते हो, एक्सरेज, ये सब ईएम वेव्स हैं। क्योंकि लोगों को पता लग गया था सिमिट्री है नेचर में, अगर एक फील्ड चेंज करोगे दूसरा अपने आप पैदा हो जाता है, और ये एनर्जीज है और कुछ भी नहीं है जो ट्रेवल करती हैं, इसको ईएम वेव्स बोलते हैं। तो अगला आने वाला चैप्टर ऐसे चलेगा, पूरा वॉल्यूम ऐसे ही चलता है। पहले पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर दोनों के दोनों पढ़ाए जाते हैं इकट्ठे। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? बोलो।